हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइज, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं स्लीप ड्रेस में, नाइट सूट में आप लोगों के साथ में वीडियो क्यों शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज मैं टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ नींद ना आने की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन। सो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि लॉकडाउन में, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो किसी चीज का कहीं टाइम बाउंडेशन नहीं है, और इस वजह से होता क्या है कि हम रात में एक एक दो दो बजे तक सोते हैं, फिर सुबह टाइम से उठते नहीं है, और फिर जब उठते हैं लेट से फटाफट तैयार होकर फिर ऑफिस के काम पे लग जाते हैं, और इसी तरीके से दिन भर जो है बस काम 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 में चला जाता है, टायरिंग हो जाता है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं फील होता है, और अच्छा भी, मन भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। सो मैं इस टॉपिक से काफी हद तक रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो इस लॉकडाउन में मैंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, व्लॉग बना रही थी मैं, एंड मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि रात में, क्योंकि कुछ रूटीन नहीं है, हस्बैंड कभी भी, उनका शिफ्ट वगैरह तब चल रहा था, तो ऐसा ही होता था कि रात में मैं, पता चला एक बजे जब उनकी नाइट शिफ्ट होती थी तो मैं झाड़ू पोछा ये सब चल रहा है मेरा, और कभी भी कुछ भी काम कर रही थी, हालांकि उस टाइम पे इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, बट जब ये चीज अब मेरी रूटीन में ही बनने लग गई, और अब लॉकडाउन ही जीवन हो चुका है फिलहाल तो, सो मुझे लगा कि नहीं बस बहुत हो गया, क्योंकि इससे क्या होता है कि दिन जो 24 घंटे होते हैं ना वो 12 घंटे में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, आप बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होते पूरे टाइम, आपको आलस होता है, टायर्डनेस फील होती है, और स्पेशली जब आपके साथ छोटा बच्चा हो तो बस ऐसे ही चला जाता है, इसकी वजह से डिप्रेशन जो होता है ना, डिप्रेस हो रही होती थी मैं। सो मैंने कुछ चेंजेस किए और अपनी जो स्लीप है उसको रेगुलेट कर ली। उसके अलावा मैं प्रेगनेंसी टाइम पर भी, या जब आरंभ हुआ था उसके बाद भी, मुझे काफी टाइम तक मेरा जो स्लीप है वो रेगुलेट नहीं था, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था, तो मैंने उस टाइम पर कुछ चीजें फॉलो की थी और कुछ चीजें मैंने इस टाइम पर भी फॉलो की, तो ओवरऑल आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको टिप्स दूंगी, और ये टिप्स आपको जीवन भर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ टिप्स जो है मैं आपको बताऊंगी ऑब्वियसली, कि आपको सिर्फ टाइम बीइंग के लिए, जब तक कि आपकी नीड जो है वो रेगुलेट नहीं हो जाती है, सिर्फ तब तक आपको ये चीजें फॉलो करनी है, एंड देन फिर जब आपका एक सिस्टम, एक रूटीन बन जाता है, जब आप 1 मंथ तक चीजों को फॉलो करते हैं, उसके बाद आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता है, आपको ऑटोमेटिकली जब आप रात में टाइम से सोएंगे तो सुबह टाइम से उठेंगे, जब सुबह टाइम से उठेंगे तो अगेन आपको उतने टाइम के बाद फिर से रात में नींद आ जाएगी, सो वो फिर एक साइकिल बनती जाती है, फिर आपको उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है। ये बेसिकली टिप्स जो है वो उन लोगों के लिए है जिनको कि अपनी स्लीप रेगुलेट करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ही है कि आप, ऐसा नहीं कि 365 डेज एक जैसे ही आपका चलेगा, समटाइम्स कुछ ना कुछ रीजंस, और स्पेशली इस लॉकडाउन में तो सबकी ही जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गई है। सो चलिए बिना ज्यादा बात किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। बेसिकली इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला पार्ट है डाइट, सेकेंड है एक्सरसाइज और वर्कआउट, थर्ड चीज है एम्बियंस, एंड फोर्थ चीज है अपनी खुद के कुछ हैबिट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डाइट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि खाना आपको, डिनर जो है आपका, हमेशा 2 घंटे 1.5 घंटे पहले कर लेना चाहिए सोने के टाइम से, जिससे कि आपका खाना टाइम से डाइजेस्ट हो पाए और आपको रात में ब्लोटिंग की या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ कि आप इस तरीके के स्लीप इंड्यूसिंग फूड को अगर आप खाते हैं रात में, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी फूड आइटम्स हैं, इनके अंदर मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि आपकी स्लीप को इंड्यूस करता है। तो सबसे पहला बादाम होता है, या फिर आप गुनगुना दूध पी सकते हैं, या फिर आप राइस भी खा सकते हैं, और राइस को आप राइस दाल या फिर खिचड़ी किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, और साथ में आप ओट्स की खिचड़ी या ओट्स को किसी भी फॉर्म में आप कंज्यूम कर सकते हैं। और इन सब के बाद अगर आप कुछ नहीं खा रहे हैं इस तरीके का, तो आप कैमोमाइल टी पीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही है तो। सो एम्बियंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरा मतलब है यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। आप अपने रूम को इतना रिलैक्स, इतना क्लीन, इतना टाइडी बनाइए कि आपको खुद से वहाँ पर जब आप लेट है आपको इतना अच्छा फील हो कि आपको नींद आ जाए। जब आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, क्लियर होता है, तो आपको नींद अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर बेड इस तरीके से हर किसी का हो ही जाता है दिन भर में, तो अपने बेड पर से एक्स्ट्रा सामान जो भी है उसको हटा करके, और बेड पर एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह जो है वो आप कर दीजिए, हटा दीजिए, और सब चीज़ों को करके बेड जो है वो एकदम
क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए जो बेड है। सो ये आप ज़रूर से कर लीजिए, इसे हैबिट बना लीजिए। और एम्बियंस जितना भी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये सब कुछ आपको कम से कम 1 से 2 घंटा पहले करना है, जस्ट सोने के पहले आपको ये सब नहीं करना है, वरना फिर मतलब आप समझ सकते हैं कि इरिटेटिंग लगता है वो। तो 1 घंटे पहले अगर आपको 10 बजे सोना है तो आप 9 बजे तक अपने रूम को रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बेडशीट बिछा दी है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ डिफ्यूज़र्स का भी यूज़ करूँगी। मतलब अपने रूम के अंदर एक अच्छी खुशबू होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो वो मैं यहाँ पर अपना डिफ्यूज़र यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मैनुअल डिफ्यूज़र है, इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र है, जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर इनकेस आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल कोई खुशबू वाली अच्छी सी अगरबत्ती या रूम फ्रेशनर भी यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि ये जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं इनको 1 घंटा पहले कर लीजिए। मतलब सोने के टाइम पर आपको ये सब चीज़ों की टेंशन ना हो कि रात में ये बंद करना, जैसे मेरा डिफ्यूज़र मुझे इसे बंद करना पड़ता है, तो मैं 1 घंटा पहले अपने रूम को बंद कर दूंगी और मेरा रूम जो है वो बहुत ही फ्रेश स्मेलिंग हो जाएगा, और उसके बाद मैं इसे बंद करके सो जाऊंगी। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है टेम्परेचर। अपने रूम का टेम्परेचर आप कूल रखिए, जितनी ठंडक होगी आपको बहुत ही जल्दी नींद जो है वो आने लग जाएगी। तो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, इसलिए मैंने एसी का टेम्परेचर जो है वो 23 के अराउंड में, 22-23 के अराउंड रखती हूँ, बिकॉज हमारा जो रूम है वो काफ़ी अच्छे से बंद रहता है, तो जो भी कूलिंग है वो इंटैक्ट रहती है। उसके बाद मैं सोने चली जाती हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आपको रखनी है ध्यान, वो ये कि आपको रूम के अंदर जितना हो सके उतना आपको मैक्सिमम अंधेरा रखना है। जितना अंधेरा रहेगा आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप नाइट लैम्प्स और ये सब चीज़ें ना यूज़ करें, एकदम अंधेरा कर दें रूम में, तो उससे भी आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी। तो नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन, इस तरीके का आप कुछ कर सकते हैं। सो योगा में कुछ स्ट्रेचिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जो स्ट्रेचिंग होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रही हूँ। सो आपको जो कम्फर्टेबल हो आप वो वाली स्ट्रेचिंग कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छी नींद आती है स्ट्रेचिंग करने से। उसके अलावा आप कुछ आसन ऐसे होते हैं जो कि आपकी स्लीप को इंड्यूस करते हैं, तो आप उन आसन को फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर ब्रीदिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और आपको बहुत ही मतलब रिलैक्स फील होता है, जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आती है। एंड आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं प्रेगनेंसी टाइम पे जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं मेडिटेशन करती थी। कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगे जिनमें एक ऐसा साउंड क्रिएट होता है जो आप जब सुनते हैं तो आपको धीरे 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 करके 15 से 20 मिनट में बहुत ही अच्छी सी साउंड स्लीप इंड्यूस होती है। तो आप इस तरीके के वीडियोस सर्च कर सकते हैं जो कि मेडिटेशन साउंड्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इंटेंस म्यूज़िक होता है वो। सो आप वो कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी एक चीज़ है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि आप कोई बुक रीड आउट करना शुरू कर दीजिए। वो बुक आपके काम से रिलेटेड हो सकती है, नॉवेल हो सकती है, स्टोरी बुक हो सकती है, कुछ भी। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, आपके एग्जाम्स होते थे, आपको जब बुक पढ़ना होता था तो आपको नींद आने लगती थी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपके आँखों पर थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से आपको नींद लेने का, रिलैक्स करने का मन करता है। नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा वॉक करिए खुली हवा में। अगर आप खाना वगैरह खा करके छत पे जाना चाहें या कहीं पर भी जहाँ पे फ्रेश एयर आपको मिलती है तो आप वॉक करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि ठंडी हवा जब आपकी आँखों पर पड़ती है तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपको बुक नहीं पढ़ना है तो आप कोई ऑडियो बुक पर जा सकते हैं, ऑडियो बुक पढ़ सकते हैं। बट मेरा यहाँ पर एक छोटा सा टिप ये है कि सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम अपने जो भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनको अपने आप से दूर कर दीजिए, तभी आपको नींद अच्छे से आएगी। तो अब कुछ हेल्पफुल हैबिट्स के बारे में बात करें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि सोने से पहले अपने कपड़ों को ज़रूर चेंज कीजिए। दिन भर जिन कपड़ों में बिताया है उन कपड़ों को हटा करके कुछ भी लूज सा कॉटन का ढीला ढाला कपड़ा ज़रूर पहनिए, नाइट सूट हो तो बेस्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जब आपकी बॉडी हल्का महसूस करती है, रिलैक्स महसूस करती है, तो आपको नींद अच्छी आती है। नेक्स्ट हैबिट की बात करें तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा है जब आप स्किन केयर करके सोते हैं। स्किन केयर का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्क्रबिंग पैक ये वो तामझाम करना, ऐसा कुछ नहीं
करना होता है। स्किन केयर का मतलब यह है कि अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से आप वॉश कीजिए, ताकि दिन भर जितना भी स्ट्रेस आपके आँखों को या आपके हेड को आया है वो सब कुछ आप रिलैक्स कर सकें। और एक अच्छा प्रोडक्ट आप यूज़ करिए जिससे कि आपको बहुत फ्रेश फील हो, क्लीन फील हो। सो लड़का हो या लड़की, कोई भी इस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। स्किन सभी की बराबर स्ट्रेस होती है। सो अगर आप रात में इस तरीके का सिंपल सा स्किन केयर फॉलो कर लें कि एक अच्छा सा फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लीजिए ठंडे पानी से, एंड देन फिर एक लाइट सा मॉइस्चराइजर लगा करके आप सो सकते हैं। बाकी डिटेल में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रात में जब मैं पैक लगा करके सोती हूँ, फेस पैक लगा करके, तो मुझे दो चीज़ें से बहुत अच्छी फील होती हैं। एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, दूसरा कि नींद बहुत अच्छा, मतलब पूरा फेस जो है ना मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो मैं ये करती हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, क्योंकि ये मेरा बेटा जो है हर वीडियो में ये कुछ ना कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहा है। सो गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। एनीवेज, अपना स्किन केयर पे मैं बात कर रही थी, तो अपना स्किन केयर आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप चाहें तो वार्म बाथ भी ले सकते हैं सोने से पहले, वो भी काफ़ी हद तक आपके स्लीप को ट्रिगर करता है। और स्किन केयर के साथ साथ मैं एक और चीज़ आपसे बोलूँगी कि आप कोई बॉडी मिस्ट भी ज़रूर यूज़ कीजिए, एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस। मैं यहाँ पर परफ्यूम या डियोस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बॉडी मिस्ट की बात कर रही हूँ जो आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। हल्का सा आप अपने कपड़ों के ऊपर उसको स्प्रे कर लीजिए तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है, और एक अच्छी सी खुशबू, प्यारी सी स्वीट सी खुशबू आपके पास से आती है। जब आप खुद को पैम्पर करते हैं तो आपको रिलैक्स महसूस होता है, और सोने की बात हो, जगने की बात हो, एनर्जी की बात हो, अपने आप को पैम्पर करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिलती ही हैं। सो इसलिए मैंने ये नया ट्राई किया है कि बॉडी मिस्ट, मैं करीब एक दो महीने से बॉडी मिस्ट लगा करके सोती हूँ, तो मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं, आप इस तरीके से अपने हेड की मसाज कर सकते हैं। बॉडी में अगर आप मसाज कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। ऑयलिंग कर सकते हैं, विदाउट ऑयलिंग कर सकते हैं, मेरे पास इस तरीके का ब्रश है तो मैं ये कर रही हूँ। लेकिन ये करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से रेगुलेट हो जाएगा। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप अच्छे से खुद मसाज कर लें, और अगर आपके घर में कोई आपके हेयर मसाज करके आपको दे दे तो बहुत ही अच्छा है, तो आप उनसे हेयर मसाज करा सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर बताऊँगी कि एक कूल आई पैक करके आता है जिसको आप फ्रिज में रख देते हैं, और जेल टाइप का रहता है वो, और वो आप आँखों पर लगाते हैं, 10-15 मिनट के लिए रखते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अपने बेडरूम को बेडरूम बना करके रखिए, वहाँ पर उसको वर्क प्लेस बिल्कुल भी मत बनाइए। मोस्टली हम लोग इसी तरीके से करते हैं, जब घर से काम कर रहे हैं तो बस बेड पे लेटे लेटे ही सारा काम हो रहा है। सो आप वो करना बंद कर दीजिए। पॉजिटिव वाइब्स बहुत स्ट्रांग चीज़ होती है अगर आप फील करें तो अगर आप वहाँ पर ही दिन भर काम करेंगे तो आपको बेडरूम वाली वाइब्स मिलेंगे ही नहीं, और वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन नहीं होगा, आपको वहाँ पर हमेशा स्ट्रेस फील होगा। सो ये चीज़ आप एक बार करके देखिए, अपने रूम को सिर्फ सोने के लिए ही यूज़ कीजिए। नेक्स्ट चीज़, आप कुछ टाइम के लिए दिन में नैप लेना बंद कर दीजिए, जब तक कि आपको ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो जाती है। तो दिन में अगर आप नहीं सोएंगे थोड़ा सा आपको टफ रहेगा, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन आप करिए, 3-4 दिन आप ऐसा करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी और आपको रात में नींद अच्छे से आएगी। सो लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप सोने से एक घंटे पहले तक आपको जो भी लिक्विड लेना है, पानी लेना है, खाना लेना है, जो भी है वो सब आप कर लीजिए, जिससे कि आपको एक घंटे में जो भी अगर आपको बाथरूम विजिट करना है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी नींद जो आपको लगेगी उसके बाद वो टूटेगी नहीं रात में। अदरवाइज अगर आपने थोड़ी देर पहले ही पानी पिया होगा तो चांसेस है कि रात में आपकी नींद टूटेगी फॉर बाथरूम विजिट। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और ये मेरे पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं। सो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ इनमें से ज़रूर आपके काम का होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई लाइफ माई एक्सपीरियंस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।